मेरे को तो सेकंड डे भी नहीं लगा कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। आपने बोला कि बीमारी को पालना क्यों है, निकाल दो जड़ से। बाकी की लाइफ कितनी इजी हो गई ना मैम। हेलो संगीता जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल मैम, मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप हमारे दर्शकों को एक बार बताएंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम लेके आप हमारे पास आए? मैम, मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड गांठें थी दो बड़ी बड़ी, और मैंने कम से कम भी नहीं तो 10 हॉस्पिटल में चेक करवाया, इवन टू साकेत, टैगोर, जयपुरिया, सब जगह सबने कहा तुरंत कर लो, कैंसर हो जाएगी, ये कर लो। लेकिन हॉस्पिटल में आपको 5-6 दिन रुकना पड़ेगा, जांच होएगी, ब्लड की भी कमी हो सकती है, तो इस वजह से मैं घबरा गई। एक दिन आपके क्लिनिक में आई थी मैं मेरे हस्बैंड के साथ, आपने बोला कि बीमारी को पालना क्यों है, निकाल दो जड़ से। बस ये बात मेरे हस्बैंड को इतनी अच्छी लगी कि नहीं, ऑपरेशन कराना है तो यही कराना। और दूसरी अच्छी बात कि आपने कहा नेक्स्ट डे छुट्टी मिल जाएगी, जबकि हर हॉस्पिटल वाले बोल रहे थे कि 5-6 दिन लगेंगे, लेकिन आपने मेरे को रियली में दूसरे दिन छुट्टी भी दे दी। और आज मेरे ऑपरेशन को 20 दिन हो गए, पर मेरे को तो सेकंड डे भी नहीं लगा कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपको तो किसकी पदवी दूँ, मैं तो भगवान की पदवी देना चाहती हूँ। आपने मेरा सही में ट्रीटमेंट कर दिया, क्योंकि मेरे को भी आगे फ्यूचर की बहुत चिंता रहती थी, इस डर से मैं करवा भी नहीं रही थी, पर आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया मैम। बहुत अच्छे से मैं ठीक हो गई, कवर हो गई, और क्या बोलूँ, मैं तो यही बोल सकती हूँ एक शब्द में, आप मेरे लिए भगवान हो। ये तो बहुत बहुत सम्मान की बात है हमारे लिए, लेकिन हम भी हमारा काम करते हैं तो। बट हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपका ऑपरेशन कौन सा हुआ था, हाथ वाला या दूरबीन वाला? दूरबीन वाला। दूरबीन वाला, दूरबीन तो वाला। आपको क्या समझ में आया कि आपने दूरबीन वाला चूज किया, हाथ वाला नहीं कराया? आपने ऐसा डिसीजन किस बेसिस पे लिया? नहीं, हाथ वाले में तो कई हॉस्पिटलों में आपसे तो नहीं पूछा, कईयों में पूछा था कि भाई वो बोले बहुत रेस्ट करना पड़ेगा, काम नहीं कर सकते, झुक नहीं सकते, वजन नहीं उठा सकते। कई उन्होंने मतलब एक्सक्यूज दे दिए थे कि कई कई चीज़ें ऐसी नहीं करनी है, तो उसमें डर लगता था। और आपने दूरबीन वाले में बोला कि आप नेक्स्ट डे से सब काम कर सकते हो, झुक भी सकते हो, एक्सरसाइज भी नॉर्मल कर सकते हो, घर के काम भी कर सकते हो, बस ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। और रियल में आपको बताया था, लेकिन अब आप ये बताइए कि आपका ऑपरेशन हो गया, अब 20 दिन हो गए, तो हमने जो कहा था वो चीजों पे हम खरे उतरे या नहीं? बिल्कुल 101% या 1001%, 1000, मतलब आप आराम से अपना काम कर पाए? बिल्कुल मैम, सारा काम। छुट्टी देने में कोई तकलीफ आई, एक दिन बाद छुट्टी हो गई? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और आप आराम से अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं? एकदम सब नॉर्मल, पूरा खाना वाना सब बना रही हूँ, कोई। अब आपका बेटे तो आपको मना कर रहे हैं काम मत कीजिए? बेटे को तो क्या की देखो, अब फैमिली वाले लोग होते हैं ना, अभी जैसे मिसगाइड भी कर देते हैं कि नहीं चढ़ना नहीं चाहिए, आटा नहीं लगाना चाहिए, वो नहीं, तो बच्चों को तो ये लगता है ना कि नहीं यार मम्मी के आगे फ्यूचर में कोई तकलीफ हो जाएगी, इसलिए ये सब बोलते हैं। बाकी मैं सब कर रही हूँ, ऐसा मेरे को कुछ अलग से फील नहीं हो रहा है। संगीता जी का एक सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ, संगीता जी के जब बेटे बाहर चले जाते थे सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती हैं आराम से। बिल्कुल एकदम सही, एकदम सही, बिल्कुल। इसका मतलब मैं मेरी एक्सरसाइज करती हूँ। तो संगीता जी अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस करती हैं सर्जरी के बाद भी, नहीं किसी प्रकार का से तकलीफ नहीं आ रही, तो ये आराम से चल फिर पा रही हैं, अपने बच्चों के लिए खाना पका पा रही हैं, और सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकती हैं, नीचे भी बैठ पा रही हैं। ये फायदा है दूरबीन के ऑपरेशन का। और आपने हमें ढूंढा कैसे? मैम, आपका एक दिन अखबार में वो एड आया था, okay. उससे पहले मैंने 10 जगह दिखा लिया था, मतलब मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थी, लेकिन उस एड को देख के मेरे हस्बैंड ने कहा एक बार इन डॉक्टर की भी राय ले लेते हैं। तो फर्स्ट डे जब आपके कैंप में हम दिखाने आए थे ना, बस उसी दिन ही कहते ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो वो मेरे हस्बैंड के तो उसी दिन ही आपका इम्प्रेशन बढ़ गया था। करवाना है तो यही करवाना, नहीं तो करवाना ही नहीं है, बस। बढ़िया, तो हमारा इम्प्रेशन अच्छा रहा। बिल्कुल मैम, 101%। और आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जनरली देखो क्या होता है कि जो फीमेल्स होती है ना, वो सिर्फ एक कारण से अपनी बीमारी टालती रहती हैं कि मेरे पति का ध्यान कौन रखेगा, मेरे बच्चों का खाना कौन बनाएगा, उनकी केयर कौन करेगा, लेकिन बस यही रीजन मेरा था मैम। हाँ, तो अब आप अपने जो महिला दर्शक है, आपके दोस्त लोग, उनको ये बताइए कि आपकी केयर, आपका बीमारी से दूर रहना कितना ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है मैम, बहुत। और तो मैं हर 15वें दिन इतनी तकलीफ होती थी, मेरे को इतनी इरिटेट हो जाती थी मैं, लेकिन अब पूरा 20 दिन हो गए, लेकिन मैं बहुत इजी फील कर रही हूँ, बहुत अच्छे से रह रही हूँ, और ऐसे लगता है पूरा फ्यूचर मेरा सेफ हो गया। तो क्या आप अपने परिवार की ज्यादा अच्छे से देखभाल कर पा रही हैं? बिल्कुल मैम, मैं तो यहाँ हॉस्पिटल से घर जाते ही मैंने तो खाना बना लिया था। तो आप क्या समझती हैं, अब आपका सोचना ये सही होगा कि भाई जब बीमार इंसान परिवार की ज्यादा अच्छी सेवा कर सकता है, या हेल्दी इंसान जैसे ऑपरेशन करा के जब आपने बीमारी दूर करवा ली, तो
तो अब आप क्या ज्यादा अच्छे से ध्यान रख पा रही हैं? अब ज्यादा अच्छे से मैम, बीमार रहेंगे तो कैसे करेंगे। उस टाइम तो 4 दिन इतनी मुश्किल से निकलते थे, इससे परेशान हो जाती थी, बाजार से ही खाना आता था। और अभी तो मैं हॉस्पिटल से सेकंड डे घर गई, तब से घर का ही खाना बना रही हूँ, एक भी दिन बाजार का खाना नहीं आया। कितनी अच्छी बात बताइए। तो ये जो जितने भी लेडीज हैं, जितने भी महिलाएं हैं, जो अपने परिवार की खुशी को देखते हुए यही समझते हैं कि भाई मैं परिवार की देखभाल करने के लिए अपना ऑपरेशन नहीं कराऊं, या अपनी बीमारी को टालती रहती हैं जो कि बाद में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या खून का नुकसान होने के कारण बहुत ज्यादा खून की कमी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप लैंड अप करते हैं, फिर बाद में सब लोग परेशान होते हैं। बिल्कुल, तो उस बीमारी को पालने का कोई फायदा नहीं। नहीं मैम, आपकी इसी बात पे तो हम फिदा हो गए थे कि बीमारी को पालने की जरूरत क्या, निकाल दो जड़ से, ताकि आप आराम से खुली आजाद जिंदगी जी पाओ। अब बाकी की लाइफ कितनी इजी हो गई ना मैम। अब आप सोचो कि अब आपको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी की समस्या नहीं है, कमजोरी नहीं है, टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्री हो। अब आपके महीने के 4-5 दिन भी आपके खराब नहीं होने, अब आप पूरे 30 दिन अपने परिवार के लिए काम कर सकते। बिल्कुल मैम, यही चीज तो बहुत अच्छी लगी। और आपने जो ऑपरेशन किया ना मैम, सही में बता रही हूँ, कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी। मेरी गैस की प्रॉब्लम भी मैंने सही कर दी, ऐसी दवाई दी कि मेरी एसिडिटी, मेरे को दिन भर डकारे आती रहती थी, वो भी अब सब बंद हो गई मेरी, कुछ भी नहीं आता। तो एक मिथ जो दूरबीन के ऑपरेशन से जुड़ा हुआ, वो भी संगीता जी आज आपने दूर कर दिया है दर्शकों का। लोग कहते हैं कि दूरबीन के ऑपरेशन के बाद गैस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नहीं मैम, मेरी तो दूर हो गई मेरे तो बहुत थी पहले गैस की प्रॉब्लम, अभी बिल्कुल ठीक हो गई, एसिडिटी बिल्कुल नहीं बनती। बेफिक्र होके आप अपना दूरबीन का ऑपरेशन करवा सकते हैं। और इन्होंने बच्चेदानी निकलवाने का ऑपरेशन करवाया जो कि बिल्कुल बढ़िया हुआ है, फर्स्ट क्लास, शी इज वेरी मच हैप्पी। वो आप देख ही रहे हैं, तो बिल्कुल मैम, बिल्कुल।